इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। रायसेन वार्ड नंबर 13 अवंतिका कॉलोनी निवासरत डॉक्टर सीमा चौधरी, जो कि कॉलोनी में प्राइवेट मरीजों की जांच करती है, यूज किया हुआ मेडिकल का सामान कॉलोनी की बाउंड्री के उस साइड फेंक देती है। कॉलोनी की बाउंड्री के उस तरफ कई बच्चे खेलते हैं। इलाज के बाद जो सामान बचता है वो जहर है, बच्चों के हाथों में आता है जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। जब आज सुबह बच्चों के अभिभावकों ने डॉक्टर सीमा चौधरी के सफाई कर्मचारी से बोला कि आप ये कचरा न डाला करें, सफाई कर्मचारी ने डॉक्टर सीमा चौधरी से जाकर बोला, तब सीमा चौधरी ने बच्चों के अभिभावक से बोला कि आपके बच्चे कचरा में पैदा हुए थे और कचरे में ही खेलेंगे, आपको जो दिखे वे आप कर लीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तो कचरा यहीं डलवाऊंगी। इंडियन टीवी न्यूज पर उपेंद्र गौतम रायसेन की रिपोर्ट। लगातार भ्रष्टाचार भी सामने आ रहा है। साहब, जब से ये सड़क का काम शुरू हुआ है, एक तो सड़क को जो है जो सरकारी मापदंड होते हैं उसके हिसाब से इसका काम शुरू से ही नहीं हुआ, और इसमें इस खड़े भ्रष्टाचार हुआ है कि सड़क के उद्घाटन से पहले ही उसमें पेच भर का काम शुरू हो गया है। ये बड़े निम्न स्तर का काम हुआ है और शर्म की बात है। प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जिन अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने इसके अंदर भ्रष्टाचार किया उनको तुरंत निलंबित करके और इनके ऊपर FIR करना चाहिए। जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है। शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर एक काम हो रहा था और ऐसा काम जो जिससे शहर को एक अच्छी उपलब्धि मिलने वाली थी, लेकिन उस काम को भ्रष्टाचार की नज़र चढ़ा के और पूरी तरीके से इस काम को ख़राब कर दिया गया है। आप देखते हैं कि अभी उद्घाटन हुआ नहीं है रोड का और पेच वर्क शुरू हो गया, तो ये तो बहुत अजीब बात है। जावेद अहमद, जिला प्रवक्ता, कांग्रेस कमेटी रायसेन। तो सिंगरगवंशी, कहाँ रहते हैं? यहाँ सामने। हाँ, क्या दिक्कत हो रही है आपको? ये अवंतिका वाले कचरा डालना, ये कचरा हमारे घरों में आ रहा है उड़ उड़ के। तो ये कॉलोनी वाले डाल रहे हैं? कॉलोनी वाले डाल रहे हैं। तो आप लोगों ने मना करा नहीं करा? कर रहे हैं साहब, तो लड़ने आ रहे हैं वो। मतलब कोई व्यक्तिगत लड़ रहा है, कॉलोनी वाले घोषा घर लड़ रहे हैं घर वाले? नहीं नहीं, वो तो कचरा की मना करने पर वो भी लड़ने आ रहे हैं। कॉलोनी वाले भी आ रहे हैं, कह रहे हैं डालेंगे ऐसा ही, मतलब जबरदस्ती डालेंगे। आपने शिकायत करी नहीं नगर पालिका में? आवेदन दिया दिया था आवेदन दिया है। कब दिया था? CM हेल्प प्लान भी शिकायत करी है। तो कब, मतलब तारीख याद है? आज करी है, आज ही करी है। हाँ, एक बार पहले भी कर दिया। तो मतलब कोई व्यक्ति विशेष आपसे बदतमीजी करता है क्या? वो तो सर कचरे फेंक रहा है, अपन रोको तो वो अपन से लड़ने आ रहे हैं। राजकुमार चौहान, कहाँ रहते हैं? बगल में रहते हैं। क्या दिक्कत है? कचरे की दिक्कत है। कौन डाल रहा है? सीमा चौधरी से कहा था सुबह, ये डाली आएंगे। ये कौन है? डॉक्टर साहब। तो कहाँ पदस्थ हैं? तो जी उनके दवाई की सीसी वगैरह इनके जमा पड़े हैं? ये सब नहीं का ना, तो सामान उनका ही, मतलब आसपास यही डॉक्टर अकेले हैं ना? आँखों से देखा हमने। आपने खुद देखा हो? पर आपने रोकने की कोशिश करी थी? सुबह बोला था तो भाई से बोला था, क्या बोल रही थी? उल्टा सीधा बोल रही थी, बच्चों के बारे में बोल रही थी। क्या मतलब कचड़े में पैदा हुए हैं बच्चे, आपके कचड़े में रहेंगे, ऐसा उल्टा सीधा बातें कर रही थी। बहुत बेस हुई थी सुबह। पर आपने शिकायत करी? शिकायत की है, आवेदन दिया है मैंने नगर पालिका में, साइन करवा के 4 लोगों के। तो उन्हें कब तक का बोला आने का यहाँ पे नगर पालिका ने? कल का बोला है उन्होंने। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।